व्हाट इज एक्चुअली इज जावा, ठीक है? तो ओके तुमने सुना होगा कि जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस ठीक सर, है? इसका मतलब क्या है, पता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर, ये आई थिंक ये पूरा ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है हाँ, मतलब इसमें क्या? कोई भी अगर आपको एक्शन परफॉर्म करना हो तो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर सकते हो। सपोज आपने क्लास बना ली, बट उस क्लास को आप रन नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, यस जब तक सर, आप उसके ऑब्जेक्ट बना के उसका कोई मेथड कॉल ना करा लो, मेथड कॉल नहीं करते। हाँ जी, ठीक है ना? तो यस इसीलिए इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है? अब इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ, जावा इनिशियली वही है जो बेसिक लाइन होती है कि सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 में किया था, जिसको ओरेकल ने बाद में एक्वायर कर लिया था, यस ठीक है? सर, और कोई भी जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो बेसिकली तीन चीज़ों पे काम करती है, राइटिंग द कोड, कंपाइलिंग द कोड एंड डिबगिंग द प्रोग्राम और डिबगिंग द कोड, ठीक है? इसका मतलब कि आपका राइटिंग द कोड जो आपका एडिटोरियल पार्ट है, ठीक है, मतलब आप जहाँ पे टाइप करते हो, ठीक है, इसमें यस सर, आपके आते हैं लॉजिक्स, सिंटेक्स, ठीक है? और मैं अगर आपको वैसे दिखाऊं, वर्ड खोल देता हूँ, ठीक है? तो जो हमारा राइटिंग होता है उसमें आपके बेसिकली क्या होते हैं, सिंटेक्स, लॉजिक्स, फंक्शन, ठीक है, और वेरिएबल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको मिला के क्या करते हैं, आपको एक कोड लिखने के लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है? राइटिंग ए कोड ऑफ पीस, पीस ऑफ, ठीक है? जी कंपाइलिंग सर, क्या होता है, आपने एक टेक्स्ट फाइल में लिख तो लिया, आपको याद है ना, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो उसको एक नाम देते हैं, ठीक है? और जावा का क्या होता है कि जो आपका मेन क्लास का नेम है उसी नाम से आपको फाइल सेव करनी होती है, ठीक है? जैसे यस मैंने एक फाइल बनाई हेलो डॉट जावा, जावा, ठीक है? तो ये क्या है फाइल, जैसे अगर मैं इस फाइल को सेव करूं, जैसे मैंने सपोज इस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव किया, ठीक है, हाँ इसका जी, नाम आ गया राइटिंग डॉट डॉक्स, ठीक है? बट जो ये कंटेंट है इसको कौन एक्सेस कर सकता है, इसको सिर्फ एक एंड यूजर एक्सेस कर सकता है, यस सर, हाँ ठीक है? जी, मशीन इसको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, मशीन को नहीं पता कि ये ए है कि क्या है, ठीक है? ओके, हाँ मशीन को नहीं जी, पता कि यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा, ये राइटिंग है, सिंटेक्स है, लॉजिक्स है, मशीन को कुछ नहीं पता, ठीक है? प्रोसेसर को क्या पता होता है हमेशा, मशीन मशीन लेवल, लेवल पे। यस, ठीक है? तो हमारा पहला स्टेप तो हो गया राइटिंग ऑफ कोड, ठीक है? सेकेंड स्टेप होगा मेरा कंपाइलिंग ऑफ कोड, ठीक है? जब आप कंपाइल करते हो किसी कोड को तो क्या होता है, जो भी आपका ये जो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, इसे क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? जो भी ये यस इंस्ट्रक्शन है, कोड बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक सेट ऑफ है? इंटरव्यू, तो हाँ ये जी, सारी जो इंस्ट्रक्शन है या कोड है, ये आपका किस में रिप्लेस हो जाता है, एक मशीन लैंग्वेज में, ठीक है? मशीन, उसके बाद क्या करता है, प्रोसेसर इसको यूज करता है और आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है? ठीक है, हाँ ये प्रोसेस समझे, स्टेप टू में हमने क्या किया, सिंपली राइटिंग किया है, मतलब कोड को लिखा है, कंपाइलिंग जी, ऑफ द कोड में स्टेप टू में हमने क्या किया, उसको कंपाइल किया है, ठीक है? जब आप कंपाइल यस करते हैं तो वो मशीन लेवल लैंग्वेज में आ जाता है और आपको आउटपुट दिखता है, ठीक है? अब देखो, दो हमने स्टेप कर लिया, अब तीसरी चीज़ क्या आती है जो आपने सुनी भी होगी, हमने गाड़ी खरीद ली है और उसे चलाना सीख गए हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक चीज़ होती है जो जब तक आपके पास गाड़ी है वो चलती रहती है, वो क्या होती है, आपकी मेंटेनेंस, ठीक है? मेंटेनेंस हो गया और अपग्रेडेशन हो गया, ठीक है? तो सेम क्या कोड के साथ भी, आपने एक बार एक सेट ऑफ कोड लिख लिया, देखो जैसे आपको ही पता है जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, या एक छोटा सा भी ले लो, अगर आपको एक ब्राउजर को लॉन्च कराना है और उसमें एक बटन को क्लिक कराना है, तो आप उसे एक वन स्टेप में नहीं लिख सकते कि बता एक ही बार में आपने कोड लिखा, रन किया, वो चल गया, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं, ठीक है ना? उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, पहले आपने दो चार लाइन लिखी या एक मेथड बनाया,
उसको रन किया, आउटपुट देखा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसमें जो भी इश्यूज थे उसको रिमूव किए और दोबारा रन किया, ये प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। यस तो सर, थर्ड आपका क्या होता है, अपग्रेडेशन, जिसे हम बोलते हैं डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब हो गया आपको अपने कोड को लाइन बाय लाइन डिबग करना है और उसके जितने बग्स उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो हमारा एक प्रोग्राम क्या हो गया, हमारे प्रोग्राम, कोई भी जो प्रोग्राम होता है या जो भी हमारी कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी सेट ऑफ कोड है, उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला राइटिंग कोड, सेकंड कंपाइलिंग कोड, थर्ड डिबगिंग द कोड, ठीक ठीक है। तो यही चीज़ है कि जावा बेसिकली यही है, राइटिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग। ये जो प्रोसेस है ना प्रोग्रामिंग का, ये जावा में ईजी होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके क्लास बनी हुई है, आपको हर एक फंक्शन को एक क्लास के अंदर डिफाइन करना है, ठीक है। एक जो आपकी फाइल है एक क्लास ये अलाउड करती है, तो आपका सेग्रीगेशन होता है, जो मैनेज करना होता है ना इसमें, वो बहुत इजी होता है, ठीक है। देखो मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखता हूँ। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, अगर आपको कोई रूल फॉलो ही ना करना हो, ठीक है, सपोज कोई ऐसा रूल बना, ट्रैफिक रूल्स जैसी कोई चीज़ ही ना हो, तो सोचो कोई सब अपनी मर्जी से जा रहे होंगे, ठीक है ना, और उसमें क्या एक्सीडेंट हो रहे होंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सर अगर आपके पास सेट ऑफ रूल्स हैं, मुझे पता है रेड लाइट है तो रुकना है, ठीक है, मुझे लेफ्ट साइड में चलना है, ठीक है, अगर मेरे आगे वाली गाड़ी रुकती है तो मुझे भी ब्रेक लगाना है, ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अगर मैं ये सब फॉलो करता हूँ तो मेरे लिए रोड पे चलना या गाड़ी चलाना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जितने आपके पास रूल्स होंगे और जितने आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके रूल्स को लेके, उतने ईजी है आपको चीज़ों को सीखना या ड्राइव करना, ठीक है। तो ये वही कहता है कि राइटिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग, ये मेरे किसी भी कोडिंग को करने का एक बेसिक वो है, कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जावा का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वो इजी होता है। और जावा का इजी क्यों होता है, क्योंकि जावा में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा जावा सबसे सिक्योर लैंग्वेज है, जितनी सर, जितने भी बैंकिंग साइट्स हैं या और भी जितनी चीज़ें होती हैं, वो सारी आपकी जावा पे डेवलप होती हैं, ठीक यस है, सर, इसीलिए, ठीक है। यस थर्ड सर, वन है, इट हेल्प्स टू क्रिएट मॉड्यूलर प्रोग्राम एंड रीयूजेबल कोड, ठीक है। इसका तो आई थिंक आपको भी पता होगा, मॉड्यूलर प्रोग्राम हुआ कि आपको फंक्शंस बनाने हैं डिफरेंट, ठीक है। मॉड्यूलर यही होता है कि आपको हर एक काम के लिए आप अपना डिफरेंट फंक्शन बना रहे हो और उसको रीयूज कर सको, ठीक है, क्योंकि ठीक बहुत है सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोड आपका सबसे बेस्ट कोड वही होता है कि वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है और कितना रीयूजेबल है, रीयूजेबल, यस ठीक है सर, ना। ऐसा ना करना पड़े, जैसे नॉर्मली, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, एक मैं टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वॉइड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया लॉन्च यूआरएल, ठीक है। ठीक है अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने लाइन लिख दी है कि भाई ये स्ट्रिंग है, इस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने www.google.com को लॉन्च कराना है, ठीक है, और एक ये मेथड मैंने लिख दिया लॉन्च, एक सिंपल सा कर रहा हूँ, ठीक है, लॉन्च मैंने डाल दिया यहाँ पे स्ट्रिंग का URL, ठीक है। जब मैं इस प्रोग्राम को लॉन्च करूँगा तो क्या होगा, ये google.com को रन कर देगा, रन ठीक है। कर सपोज देगा, इसे मैं ना किसी और प्रोग्राम से कॉल कराता हूँ, मेरा एक पास एक दूसरा प्रोग्राम है, मेन मेथड, ठीक है, मेन प्रोग्राम, अब इस मेन प्रोग्राम में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाके इसको रन कराना होगा, ठीक है। तो रन कराऊंगा तो मुझे सिंपली उस मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉल कराऊंगा लॉन्च, ठीक है। जब भी इसने लॉन्च को, लॉन्च यूआरएल को कॉल किया, तो ये क्या लॉन्च होगा, google.com, गूगल ठीक है। डॉट लेकिन अगर मेरे को कोई दूसरी वेबसाइट को लॉन्च करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन जो इसका फंक्शन है यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा, कॉम, ठीक है ना। तो ये क्या रीयूजेबल नहीं हुआ। हाँ इसको जी, रीयूजेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक और इसके फंक्शन में एक वेरिएबल पास करा दिया, ठीक है ना, इसको मैंने लिख दिया टेस्ट यूआरएल, और यहाँ पे मैंने सीधे क्या किया, लॉन्च के अंदर टेस्ट यूआरएल को डाल दिया, टेस्ट यूआरएल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा यहाँ पे था, मैं यहाँ पे
जो भी मेरे को यूआरएल लॉन्च करना हो मैं सीधे यहीं पे यूआरएल दूंगा, ठीक है, मुझे मेन अपने उसमें लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, हो सकता है आपके पास एक एक्सेल फाइल है जिसमें 100 वेबसाइट के यूआरएल हो, ठीक है, तो आप इसमें फाइल हैंडलिंग के थ्रू सबको पास करा के सबको लॉन्च करा सकते हो, ठीक है। प्रीवियस मेथड में आपको क्या करना पड़ता, हर एक में जाके आपको मैनुअली डालना पड़ता, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको, खाली फाइल हैंडलिंग से यहाँ पे आपको एक वेरिएबल में इस नाम को यूआरएल को देना है और आपका लॉन्च होता रहेगा, ठीक है। तो ये रीयूजेबिलिटी होती है, तो जावा में इसलिए होता है क्योंकि ये आपको हमेशा यही सजेशन देता है जावा कि आप मेथड्स को यूज कीजिए, वेरिएबल्स यूज कीजिए और ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। ठीक है, जावा इज ओपन सोर्स प्रोग्राम, ये भी आपको पता है कि ओपन सोर्स पता है ना, इसका कोड आपको कहीं भी अवेलेबल है। अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है, जैसे टेस्ट एनजी हो गया, मेवन हो गया, ये सारे आपको फ्री में अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको कोई पे नहीं करना है, ठीक है। आप उससे पेड सॉफ्टवेयर बनाओ या कुछ भी बनाओ, कहीं भी यूज़ करो, बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं वो ये यूज़ करती हैं, उनको कोई पे नहीं करना पड़ता। तो सबसे इसका जो मेन यूज है, यस, ठीक है ना, ये ओपन सोर्स है और आप इसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपके पास आइडियाज हैं तो आप भी अपना सजेशन या इम्प्लीमेंटेशन जावा को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइल वन एंड रन फॉर एवर, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कंपाइल करते हो तो आपका जो मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज में जो कोड लिखा है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो एक बार आपने अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो आप उसको किसी भी एनवायरनमेंट पे रन कर सकते हो, ठीक है। आप उसको मैक पे रन कर सकते हो, विंडोज की किसी मशीन पे कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यस, तो ये है जो बेसिक है, एक इंट्रोडक्शन टाइप का कह सकते हो कि जावा की नीड क्यों है या जावा क्यों करनी चाहिए, एक जो रीजन देते हैं ना ये वो है, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी है आपको? नहीं सर, ठीक है। अब आते हैं, आपने सुना होगा JDK, JRE, जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये चीजें सुनी होंगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, आर्किटेक्ट है कि मतलब आपका जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, वो रन कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता है, अगर आपको जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना, रन करना, तो आपको JDK, JRE डालना पड़ेगा और इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना होता है, तभी चलता है, ठीक है। इवन आपको जो जावा का JRE का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी अपडेट करना होता है, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम के कॉम्पेटेबल होता है। बहुत सारे नए फीचर होते हैं जो जावा सपोर्ट दे देता है, लेकिन अगर आपका JRE और कोड अपडेटेड नहीं है तो वो नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये जो पूरा होता है इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ JDK, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टार्टिंग कैसे होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक हम इनपुट प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जो राइटिंग ऑफ कोड है, यस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंपाइलेशन, ठीक है, आपने कंपाइल किया, ठीक है। उसके बाद है आपका टेस्ट क्लास, ठीक है। जब आपने कंपाइल किया तो क्या हुआ, आपका बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया, डॉट क्लास के नीचे, है ना। बाइनरी कोड आपका क्या होता है, मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कोड जो होगा वो बाइनरी कोड, यस, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आपने फाइल इनिशियल क्रिएट की होगी उसकी एक्सटेंशन होगी टेस्ट डॉट जावा, जब आप उसे कंपाइल कर दोगे तो एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन हो जाएगी टेस्ट डॉट क्लास, क्लास, हाँ जी, ठीक है ना। yes. अब जो ये टेस्ट डॉट क्लास है, इसको जो एग्जीक्यूशन कराता है वो होता है JVM का काम, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, और वो आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें हमारा कोड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो जो आपका ये वाला पार्ट है, जो आपका आफ्टर कंपाइलेशन है, मतलब जो बाइट कोड से और मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में जो इंटरेक्शन कराता है यूजिंग JVM, ये आपका JRE के अंडर आता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये जो
पूरा का पूरा सेट है जो JRE है आपका, प्लस जो आपने कोड से जब से लिखना शुरू किया था, कंपाइल किया था, प्लस आपने पूरा इसको JRE के साथ इंटीग्रेट किया, ये पूरा आपका जो एक एनवायरनमेंट होता है उसे बोलते हैं हम JDK, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। तो सिलेनियम क्या है आपका? JDK है, जावा डेवलपमेंट किट है एक तरह से, क्योंकि वो आपको एडिटर भी प्रोवाइड करता है, कंपाइलर भी देता है और एग्जीक्यूशन भी कराता है, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं? JDK, ठीक है। JDK, ये वाला समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। तो अब हमने क्या सीखा? ए सिंपल प्रोसेस ऑफ रनिंग ए जावा प्रोग्राम। उसमें क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एन इनपुट प्रोग्राम एंड सेव इट विद नेम test.java, ठीक है। यस सर। देन वी हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम विच कन्वर्ट टेस्ट जावा इन टू द test.class, इट मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज। क्लास फाइल क्या होती है? क्लास फाइल इज अ बाइट कोड फाइल विच कंटेन्स कमांड इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है। जो नॉर्मल आपने प्रोग्राम लिखा था वो हमारी समझ में आता है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम को या मशीन को समझ आएगा वो बाइट कोड होगा या बाइनरी फॉर्म में होगा, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूट द बाइट कोड विल कन्वर्ट द बाइट कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, टू एग्जीक्यूट ए कमांड रिटर्न इन द test.json, ठीक है। JVM मैंने आपको बताया था, JVM प्रोवाइड्स अ सिक्योर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट विच एग्जीक्यूट द बाइट कोड एंड इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो JVM बेसिकली आपका क्या होता है? एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, ठीक है, मतलब एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है जो आपके प्रोग्राम्स को सिक्योरली रन कराने के लिए या कन्वर्जन के लिए यूज होता है, ठीक है। JRE is Java runtime environment is a combination of JVM and Java class library files which implements the JVM to execute bytecode on a machine, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? आपने लाइब्रेरी फाइल सुनी होंगी, बहुत सारी हमें ऐड करनी होती है प्रोग्राम्स को ऐड करने के लिए, प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। जैसे अगर मुझे मैथ के फंक्शन यूज़ करने हैं तो मैथ की लाइब्रेरी होगी, ठीक है। अगर मेरे को ब्राउजर यूज़ करना है फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स की अलग से DLL होती है, क्रोम की अलग होती है, आई की अलग होती है, ठीक है। अगर मुझे टेस्ट इंजी यूज करना है तो उसकी खुद की एक अलग से लाइब्रेरी फाइल है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो JVM क्या होता है? इन सब लाइब्रेरीज को प्रोवाइड कराता है, प्लस ये हेल्प करता है कि वो इंटीग्रेट कर सके हमारे जो हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसके साथ और जो JVM है उसके साथ, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा JDK। JDK provides entire suite to create a project via any development tool, compile program or JRE, जो मैंने बताया था ना आपको, जैसे आपको प्रोग्राम लिखना है उसको कंपाइल करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या JDK प्रोवाइड करता है। और JDK एक हाई लेवल की चीज़ है जिसमें आपका डेवलपमेंट टूल जैसे कि सिलेनियम हो गया, कंपाइल ए प्रोग्राम जो सिलेनियम में आपका होता है, और JRE कि उसको रन कराना और जो उसकी जो क्लास फाइल है मशीन लेवल लैंग्वेज पे उसको कन्वर्ट कराना, वो सारा काम JDK करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो ये तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होते हैं, JVM, JRE और JDK, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ जावा, ठीक है। ये बेसिक फीचर है जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि वाई वी हैव टू यूज जावा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। दिस कैन बी अचीव बाई क्रिएटिंग अ रनेबल जार फाइल ऑफ द जावा प्रोग्राम। दिस जार फाइल कैन बी रन ऑन मल्टीपल मशीन यूजिंग सपोर्ट JDK, JVM, JRE, ठीक है। नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन फाइल होती है आपने सुना होगा .exe होती है, ठीक है। बट जावा का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जार फाइल बना सकते हैं, ठीक है। जार फाइल बनाते हैं तो जार फाइल क्या होती है? वो आपकी विंडोज बेस्ड नहीं होती है, वो आपके हर एनवायरनमेंट पर चलती है, जावा पे, उस पर विंडोज पे भी चलती है, मैक पे भी चलती है, ठीक है। बशर्ते आपके पास JVM और JDK सपोर्टेड होनी चाहिए। जब भी आपको JDK इंस्टॉल करना है तो वहाँ ऑप्शन आते हैं कि डाउनलोड फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर लिनक्स, सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपका JVM या JDK हो सकता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, बट आपका कोड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने पहले भी डिस्कस किया था सर। एक क्वेरी है, अगर हम मैं कोई कोड लिनक्स पे रन करता हूँ तो क्या फिर मैं उसको विंडोज पे यूज कर सकता हूँ उस फाइल को, उस कोड को? हाँ, बट ये है कि जब आप उसे कंपाइल कर रहे हो ना, क्योंकि देखो कोड आप सीधे तो उठा के कॉपी पेस्ट करोगे नहीं,
ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। आप उसे कंपाइल करके या उसकी एक जार फाइल या ऐसे कुछ बना के ही करोगे। तो जब आप उस समय कर रहे हो ना, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जितनी सपोर्टेड फाइल हैं या जो भी हैं वो आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो, लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड कर रहे हो अपनी जार फाइल में। ओके क्योंकि देखो, आपने एक कोड बनाया, आपने यूज़ किया MathML, ठीक है, मैथ का आपने कोई लाइब्रेरी यूज़ कर ली, ठीक है। अब आपने वो कोड मुझे दे दिया, मैंने चलाया, मैंने JVM JDK तो डाल दी विंडोज़ के अकॉर्डिंग या मैक के अकॉर्डिंग, बट मुझे नहीं यस पता ना कि वो लाइब्रेरी फाइल भी मुझे चाहिए। तो वो लाइब्रेरी फाइल जब मैं किसी को कोड देता हूँ तो मैं उसकी जार जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो वहाँ मुझे सेलेक्ट करना होता है कि मुझे लाइब्रेरी फाइल भी देनी है, ओके ठीक है ना। तो ये यस डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्योर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज इट सपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे जो बेसिक हैं फोर, ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये यस ऊप्स को पूरा इम्प्लीमेंट करता है, इसलिए हम इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट, सिंपल लैंग्वेज, बिकॉज इट डज नॉट हैव कॉम्प्लेक्स फीचर लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस, पॉइंटर, एक्सप्लिसिट मेमोरी लोकेशन। हाँ, आपने सी या C++ में पढ़ा होगा, वहाँ पॉइंटर्स होते थे, मल्टीपल पॉइंटर्स यस इनहेरिटेंस होते थे, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या होता है आपका, कि आप एक जो क्लास है, ठीक है, वो मल्टीपल इनहेरिट हो रहे हैं, मतलब सिंगल क्लास है वो मल्टीपल सब क्लासेस से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। और पॉइंटर्स क्या होते थे, वो आपके एड्रेस को आइडेंटिफाई करते थे, आपका जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को गेट कर सकते थे, ठीक है। ओके तो ये सारी यस चीज़ें, ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सब चीज़ें क्या बहुत कॉम्प्लेक्स फीचर होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जावा पे इन सबको हटा दिया गया, ठीक है। ओके इसको बहुत ही सिंपल कर दिया गया है, और इसके ऑल्टरनेट्स निकाल दिए गए हैं जो कि इजी टू यूज़ हैं पर इजी टू इम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी लगती है कि हाँ थोड़ी वो है, कॉम्प्लेक्स है, बट जैसे जैसे आपको इसका नो हाउ होता रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ये सिंपल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी नेक्स्ट आता है रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट लैंग्वेज क्या हुआ, एज इट हैंडल्स बोथ मेमोरी मैनेजमेंट मिस्टेक्स एंड रन टाइम एरर्स, मेमोरी मैनेजमेंट मिस्टेक्स ओवरकम बाय गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली। हाँ, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नाम सुना है? कंस्ट्रक्टर आई थिंक कंस्ट्रक्टर का जो क्लास नेम होता है वो मेथड नेम और क्लास नेम सेम होते हैं सुना था हाँ, नहीं, बट उसका यूज क्या कंस्ट्रक्टर है, वो तो एक इम्प्लीमेंटेशन होगी। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उस क्लास के लिए जितने आपने मेथड वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ना, हाँ जी सबके लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। ओके वो आपका कंस्ट्रक्टर का काम होता है, ठीक है। तो अदर लैंग्वेजेस में क्या है, आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ता था, ठीक है ना। और जब आपने बिल्कुल कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया तो आपको डिस्ट्रक्टर भी यूज़ करना होता था ताकि मेमोरी को रिलीज किया जा सके। आई थिंक ये सी शार्प में ओके ऐसा होता था, ठीक है, C++ का मुझे पता नहीं, बट सी शार्प में ऐसे ही होता है। बट जावा क्या कहता है कि अगर आपने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया तो ये खुद का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है। उसमें क्या करता है, ओके जो भी आपने मेथड या जो भी आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उनको इनिशियलाइज करता है और मेमोरी एलोकेट करता है। और जैसे ही आपका प्रोग्राम से एग्जिट होता है, उस मेथड से एग्जिट होता है, ठीक है, वो मेमोरी डी एलोकेट कर देता है, ओके ठीक है। तो जो इससे क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये ऑटोमेटिक एलोकेशन करता है और डी एलोकेशन भी कर देता है अगर उसका यूज ना हो तो, यूज़ ठीक है। तो इससे क्या, आपका जो स्पीड है प्रोग्राम को रन कराने का, या जो भी आपका एग्जीक्यूशन टाइम है किसी प्रोग्राम का या सेट ऑफ कोड का, वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, ऑप्टिमाइज ठीक है। ठीक है प्लस आपने शीशा भी अगर कभी की होगी लैंग्वेज, तो वहाँ पे आपका जो रन टाइम एरर होता है, ठीक है, रन टाइम एरर को आपको बेसिकली क्या कहते हैं उसको, एक दो तरह के एरर होते हैं, एक कंपाइल एरर होता है, एक रन टाइम एरर होता है। कंपाइल एरर होता है राइट आपको जो जब आप कोड लिख रहे हो उस समय कोई एरर आ रही है जिसकी वजह से आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। बट रन एग्जीक्यूट टाइम नहीं एरर हुआ क्या होती है आपकी, जो आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको एरर आ रही है, ठीक है।
तो जो जावा है ये क्या करता है, रन टाइम एरर्स को भी हैंडल करता है, ठीक है। आइदर ये आपको पहले ही बता देगा कि जो आप सिंटेक्स लिख रहे हैं उसमें रन टाइम एरर आ सकती है, ठीक है, या आपको जब आप रन कर रहे होंगे उस समय आपके प्रोग्राम को फूटने नहीं देगा, आपको एक प्रॉपर एरर दे के एग्जिट कर जाएगा, ठीक एग्जिट है। करके, तो ठीक इस है। दोनों केस में क्या होता है, आपकी जो लैंग्वेज है वो रोबस्ट हो जाती है। रोबस्ट मतलब यही होता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर या पहली चीज, दो चीजें आती है रोबस्ट में, एक आता है परफॉर्मेंस, दूसरा आता है आपका एरर फ्री, ठीक है। तो परफॉर्मेंस आपकी कैसे इंक्रीज हुई, मेमोरी मैनेजमेंट से, ठीक है, और एरर फ्री कैसे हुआ, रन टाइम एरर्स को हैंडल करके, ठीक है। यस तो जब सर, ये दोनों चीजें हमने मेमोरी मैनेजमेंट और रन टाइम एरर कर लिया, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो रोबस्ट हो गई, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया था कि जावा सबसे सिक्योर है क्योंकि इसका खुद का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है ये जेवीएम के थ्रू या जेआरई के थ्रू, ठीक है। तो जेवीएम प्रोवाइड्स अ वर्चुअल एनवायरनमेंट टू रन जावा प्रोग्राम इन अ सिक्योर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, ठीक है। इवन जब आप ब्राउजर का भी यूज करते हो तो ये कभी भी आपका नेटिव ब्राउजर नहीं खोलता, ये हमेशा आपकी प्राइवेट ब्राउजर खोल के आपका रन कराता है प्रोग्राम, ठीक है। इसलिए ये ओके, बहुत सिक्योर लैंग्वेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है। बिकॉज ऑब्जेक्ट्स ऑन वन जेवीएम कैन एग्जीक्यूट प्रोसेस ऑन अ रिमोट जेवीएम। हाँ, इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लोकली मैंने अपनी मशीन पे एक प्रोग्राम लिखा है। अब इसको मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको कोड नहीं देना चाहता, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोड दूँ या शेयर करूँ। मैं क्या करूँगा, तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस लूँगा, वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूँगा और यहीं से कोड तुम्हारे सिस्टम पे चला दूँगा, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये आपका जेवीएम के थ्रू जावा ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है आपका मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग आपको पता ही होगा कि आप एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो जावा क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट खुद करता है, रन टाइम हैंडलिंग खुद ही करता है, तो मल्टी थ्रेडिंग भी और भी इसकी फास्ट हो जाती है रेदर देन एनी अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, ठीक ठीक है। है तो सर। ये जो आपका था पूरा चैप्टर, ये वही था आपका कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा बिफोर स्टार्टिंग लर्निंग जावा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जावा के बारे में समझो कि जावा में एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो ठीक जावा क्या है, एक पैकेज है जो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और सिंपलेस्ट वे प्रोवाइड करता है टू राइट ए कोड, कंपाइल ए कोड और एग्जीक्यूट ए कोड, इवन डिस्ट्रीब्यूट ए कोड, ठीक है।